शहर के वकीलों की सबसे बड़ी और मात्र संस्था इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए और रात तक नए कार्यकारिणी की तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। दो पूर्व अध्यक्ष के अलावा सचिव ने भी इस पद के लिए ताल ठोक दी है। सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए भी कई दावेदार सामने आ गए हैं। इंदौर बार एसोसिएशन चुनाव के चलते आज सुबह से जिला कोर्ट परिसर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। आज सुबह से ही जिला कोर्ट परिसर में विभिन्न पदों के दावेदार व उनके समर्थक डेरा डाले हुए हैं। हालांकि मतदान केंद्र के पास चुनाव प्रचार की छूट केवल दावेदारों को ही दी गई है। वे कतार में खड़े होकर वोट की गुहार लगा रहे हैं। के लिए यूं तो तीन दावेदार हैं, किंतु मुख्य टक्कर युवा प्रत्याशी गोपाल कचोलिया व रविंद्र सिंह गौड़ में है। दोनों ही पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं। हालांकि मौजूदा सचिव गोपाल कचोलिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है। मतदान के लिए चार बूथ बनाए गए हैं और 70 से ज्यादा सदस्यों की टीम लगी हुई है। रात तक सारे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इंदौर अभिभाषक संघ के निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई है और ये 4 बजे तक इसमें मत डाल सकेंगे। हमारे को जो अभिभाषक संघ ने सूची दी है निर्वाचक मंडल को, उसमें 5,308 सदस्य हैं जो इस प्रक्रिया में अपना मतदान का उपयोग कर सकेंगे। हमारे यहाँ 11 पद हैं, उसके लिए 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि 5,308 सदस्य मतदान के लिए पात्र हैं, लेकिन करीब 3,000 सदस्य ही वोट देने आते हैं। संघ के वैसे तो ये सालाना चुनाव होते हैं, लेकिन इस दफा अध्यक्ष पद का मुकाबला कई साल बाद इतना दिलचस्प हो गया है कि तीन कद्दावर वकील इस बार आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।